अस्सलामो अलैकुम देवियों तसज्जनो पहनो दे प्रो, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी मलाकोटाई वालिबन और इसके राइटर डायरेक्टर हैं लीजू जोस पेलिसरी और को राइटर हैं इसके के पी एस रफीक और इसके जो मेन लीड में कास्ट में हैं वो हैं मोहनलाल। तो ये जो मूवी है जैसे ही मोहनलाल जिस मूवी में होते हैं वो पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे को कोई बी ग्रेड मूवी है, क्योंकि माशाल्लाह से उनका जो फेस है या जो उनका उनका जो पिंडा है बॉडी है जिसको के कहते हैं पिंडा, वो कोई ना कोई ताया वाला या दादा वाला उनका पिंडा है और उनका जो फेस भी है वो भी कोई ऐसा है कि जैसे कि कोई आपके नाना दादा का कोई फेस होता है, वो हीरो लगते नहीं है। तो इस वजह से ना वो जब भी ये मूवी वो एक उनका उन्होंने उनकी जो बैली है उनकी जो तोंद है वो ऐसे है जैसे कोई पंजाब पुलिस नहीं है जो हराम खा के तो वो उनका का पेट निकला होता है, तो ऐसे उनका पेट भी उनका ऐसे ही लगता है कि वो निकला हुआ है। तो इस वजह से ना वो हीरो लगते नहीं है। तो ये जो मूवी है ये एक कम्बिनेशन है, ये एक मूवी जो हॉलीवुड के फिल्मों से चुराए हुए जो सीन है उनका ये कॉम्बिनेशन है और ये लुक दी गई है जैसे कि कोई हॉलीवुड की मूवी है, लेकिन बीच में जो कास्ट वगैरह वो ऐसी कास्ट है कि जैसे कि कोई चंगड़ से लोग नहीं होते जैसे को कोई वांडे या पेंडे लोग होते हैं, तो इस किस्म की ये बीच में वो कास्ट दिखाई गई है। तो जैसे ही ये मूवी शुरू होती है तो एक बैलगाड़ी जा रही है तो एक बीच में जो एक आदमी है मी है ब्लैक पक्के कलर का आदमी है वो बस एक बंदे की बढ़ाई करे जा रहा है कि बहुत ही बड़ा कोई योद्धा आ गया है। तो और वो ऐसे गांव में एक जाके वो बैलगाड़ी खड़ी करते हैं और वहाँ पे एक चैलेंज करते हैं, तो एक काला या बंदा भज्जा जा रहा है तो वो जाके एक घर में जाके कहता है कि ऐसे कोई ललकार है, तो ऊपर से एक बूढ़ा बंदा दा ऊपर अंडे खा रहा है तो वो नीचे छलांग मारता है, तो वो एक गधा अपनी ले के तो वो निकल पड़ता है। तो उसकी जो घरवाली होती है वो जो खबर देने आता है उनके नाल नचना शुरू हो जाती है, तो ऐसे ही वो उसके साथ डांस करना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल वो जो पहुंच जाता है वहाँ पे, तो और जैसे ही वो वहाँ पे पहुंच जाता है तो उसको जो गाड़ी में बैलगाड़ी है उसमें एक पहलवान जो योद्धा वो सोया हुआ वो उठ ही नहीं रहा, तो जैसे ही वो उठता है तो ऐसे वो एक शराब का भंग का मटका वो पी के तो बाहर आता है, तो वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि कोई वो जैकी चैन की मूवी थी ना ड्रंकन मास्टर उसके जैसा वो करता है। तो लेकिन उसके ऊपर पता नहीं क्यों एक्शन ना सूट नहीं करते, क्योंकि वो उनका जो एज है जो उनका फेस है जैसी उनकी बॉडी है तो वो बस मैच नहीं करता कुछ भी ना। तो जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है वो ऐसे कोई कुनफू मास्टर की तरह रोक के तो अपने पढ़ने के साथ वो बांध बूंद के तो वो मैच उनसे जीत जाता है। जैसे वो उनसे मैच जीतता है तो वो वाला जो बंदा है जो पहलवान है उसकी बीवी उसको मिल जाती है, उसका घर उसको मिल जाता है, तो सारा कुछ जो उसका है वो उसको मिल जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट, तो ये तीन इसके बीच में कारनामे दिखाए गए, फर्स्ट कारनामा हो गया। तो ये अब फिर ये बैलगाड़ी अपनी लेके वो आगे निकल गया, तो आगे जैसे ही ये आगे निकला तो वो एक जगह पे तो एक नाचने वाली है वो गाना गा रही है मेरा मोर गवाचा वे मेरा मोर गवाचा, तो जैसे वो लौंग गवाचा ना ऐसे उसका मोर गवाचा। तो एक बीच में एक विलन टाइप बंदा तो अपने मोर का मास्क पहन के वहाँ पे चला जाता है, तो उसके साथ ना कोई हाथ चलाकी करनी शुरू कर देता है, तो ये मोहनलाल बीच में हीरो बन के तो उन्हें चुक के थले मारता है, तो बस वो जो लड़की है वो उसकी आशिक बन जाती है। ये लड़की के साथ ना एक काली ब्लैक कलर की खुसरी भी है, ब्लैक कलर की खुसरी, तो उसका बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेड करेक्टर है। तो ये बहरहाल ये उसको ऐसे बचा के ना तो ये निकल पड़ता है वो उधर से। तो जैसे ये बैलगाड़ी जा रही होती है तो ये जो मोर कुट खा के आया है तो ये आगे जाके उसको चैलेंज करता है कि वो एक गांव का कोई योद्धा है तो आपने वहाँ से पे जाके इनसे लड़ाई करनी है। तो ये जैसे ही वहाँ पे जाता है उन्होंने एक टेंट जा लाया जैसे अब लाहौर में नहीं वो कोई फंक्शन हो शादी का फंक्शन होता है तो वो एक तंबू सा टेंट सा लगा होता है, तो उनके बाहर एक मंजी थे एक बाबा पाया जो
जिसको धोखे से इन्होंने मारा था और उसकी रीढ़ की हड्डी काम करना बंद होगी। तो ये बाबा अपनी स्टोरी सुनाता है कि ये जो लोग हैं ये धोखे से ये बस ये हरवाते हैं मैच वगैरह। तो उसके साथ जब होता है तो बहरहाल ये मोहनलाल उसको को पराजित करता है। तो जैसे उसको शिकस्त देता है तो उसका आधा सर एक तरफ से आधा सर मूंड देते हैं, एक तरफ से उसकी की मूछ और आधी दाढ़ी मूंड देते हैं। तो वो बंदा भी ना बिना इसका मोहनलाल का दुश्मन बन जाता है। तो अब वो मोहनलाल क्या करता है, तो जैसे ही वो उसको हराता है तो उनका टेंटी देख देता है। तो बहरहाल वो ये हॉलीवुड की मूवीज़ की तरह ना कोई किसी से सीन चुराए, कोई किसी से चुराए। तो अब वहाँ से निकल के ये तीसरे प्रोजेक्ट पे चला जाता है, तो अपने तीसरे मैच वाली साइड पे। तो वहाँ पे एक किला है जो कि फरंगी टाइप दिखाए गए हैं, तो उन्होंने इंडियंस को उन्होंने ग़ुलाम बनाया हुआ है। तो जैसे ही ये वो अपने एक मसीहा की तलाश कर रहे हैं, तो मसीहा और बैल दी जोड़ी उत्ते जो खोती जैसे खोती रेड़ी नहीं होती ऐसे बैलगाड़ी के ऊपर टक टक करदा अंदर वड़ जाता है। लो जी जिवें बाकियों ग़ुलाम बनाए इन्हों नहीं बना सकते। बहरहाल वहाँ पर कोई मैच होता है, वो गुलामों को आपस में लड़ाते हैं। तो गुलाम कहता है कि हमने बहुत अपना खून दे दिया, अब मैं आपके साथ लड़ूंगा। तो उतो ही अंग्रेज़ उन्होंने गोली मार देता है। तो ये जाके चैलेंज करता है कि अगर मैंने आपके पहलवानों को हरा दिया तो फिर आप क्या करोगे कि ये सारे गुलामों को आप छोड़ दोगे। तो पीछे पीछे वो जो जिसका सर मुंडा वो भी आ जाता है, वो उसको कोई टीका शीका लगा देता है नशे वाला रश के अंदर। तो ये फिर बहरहाल ये उसको हरा तो देता है, लेकिन एंड के ऊपर वो कोई बेहोश वगैरह हो जाता है। तो फिर ये इसको आंखों पे पट्टी बांध के तो इसको ऐसे पिलरों के साथ इसको बांध देते हैं। जैसे एक क्रिश्चनैलिटी में एक बहुत फेमस मूवी है, वो है सैमसन। तो सैमसन जैसे कि उसमें बड़ी पावर दिखाई गई थी, तो वो जैसे पिलरों को गिराता है। और एक और मूवी है हरक्लिस नाम की। तो हरक्लिस मूवी में जैसे वो ऐसे पिलरों को गिराते हैं या उसकी ताकत दिखाते हैं, ऐसे ही मोहनलाल को करते हैं। लेकिन वो मोहनलाल को ना ये ऐसी चीज़ें सूट ही नहीं करती, क्योंकि इसकी वो वैसी बटिस्टा टाइप इसकी बॉडी नहीं है, ठीक है। इनका टेड है वो जैसे कि हाजमुला के वो हाजमुला पुड़ी के ऊपर नहीं पहलवान बैठा होता जिसके पेट में गैस हुई होती है, तो फड़ाएँ फड़ाएँ करके अपनी गैस छाड़ता है। तो इसकी वो इसका पिंडा ही वैसा है ना, खोते हैं वर का पिंडा है। तो बहरहाल हीरो बहुत बड़ा है, इसके फैन भी बहुत हैं। तो बुढ़े बारे में हीरो आंदा है, चलो खैर आंदा है तो आई जावे, पता नहीं इनके तो पैसे लांदा कौन है। बहरहाल ये फिल्म मज़े वाली है, फिल्म देख के आपको मज़ा आता है। और अगर फिल्म देख के मज़ा आ रहा है तो जेडे वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो भी लाइक करो और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरे फेसबुक पेज को भी आपने लाइक करना है, इमरान सुल्तान फेसबुक का पेज है, ठीक है। तो ये इस किस्म की ये मूवी है। बहरहाल ये एक्शन सीन वगैरह करा के तो ये कैदियों को सारे लेके निकल आता है। तो जो वहाँ पे वो अंग्रेज़ नहीं है उसका भी सर कलम कर देता है, बढ़िया तोपा शोपा वहाँ पे चलू के तो वो निकल आते हैं। तो ये इसका जो इसके साथ वो जो इसके गाने गुने गाता है इसके साथ वो आदमी है, उससे ये बड़ा प्यार करता है। और रास्ते में एक काली सी डार्क कलर वाली लड़की तो वो प्यारी है, तो उसके साथ उसका चीकीपा का सीन ऑन हो जाता है, वो इसको अपना भाई मानता है। तो ये जो नाचने वाली है ये इसका उसके ऊपर दिल आता है, कहती है कि मैं तेरे से मुझे प्यार हो गया, इत्थे सोने मुंडिया नाल कोई प्यार नहीं करता। तो वो बुज़ुर्ग बंदे दे नाल मोहन लाल के प्यार में गिरफ्तार हो गई है। चलो प्यार तो अन्ना होंदा लेकिन इन्ना अन्ना भी नहीं होंदा, बहरहाल इस मूवी में अन्ना कर दिया गया है। तो वो उसके प्यार हो जाता है, वो कहता है नहीं मेरा कोई इरादा नहीं है चीकी पाका करने का, मेरा कोई इरादा नहीं है। तो वो जो खुसरी है वो कहती है कि ये किसी और के चक्कर में है। तो अब ये इन्होंने नहीं बीच में अब डालना ट्विस्ट डालना है। तो अब वो जो लड़की है वो इसके जो इसका भाई है जो काला वाला इसका भाई नहीं है, बहरहाल इसके साथ ही है। और उसका बाप भी इसके साथ ही है जो इसका गुरु बना हुआ है। तो
ये लड़की ऐसे रश में जाके कहती है उसको, ये मोहनलाल को कहती है कि भैया भैया अब कहना शुरू हो जाती है कि अब बीच में ये डालना था। अब वो खुसरी ने कान में उसके डाला कि ये जो मोहनलाल है ये उसका साथ उसका सीन है। अब वो जो लड़की है वो उसको भैया कह रही है कि और मैं पेट से हूँ, मैं बच्चे की माँ बनने वाली। अब ये खुसरी और ये नाचने वाली जो है तो ये उसके जो उसका जो भाई बना हुआ है ये उसको कहते हैं कि तेरी बीवी का उसके साथ चीकी पा का सीन ऑन है, जब तुम नहीं होते तो वो होता है और वो ठह 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 करता है उसके साथ, तो बहरहाल यानी कि उसके साथ कोई घोर शंपत करता है। तो वो पहले तो नहीं मानता लेकिन वो कहती है कि वो नचन वाली नू पूछ ले, तो ये गान बजान वाली को पूछ ले, वो कहती है हाँ ये सची में ये बात सच है, हालांकि रहिंदा तू है उनके नाल ते तेनू पता होना चाहिए कि जड़ी एक उनके नाल रहिंदी नहीं उन्होंने पता होना चाहिए। बहरहाल वो उसको पता चलता है कि ये सची में ये ऐसे सीन है। तो जैसे ही वो लेके निकलते हैं ना गणपति का को लेके निकलते हैं, तो ऐसे ही वो एक ज़ेबरा को लेके निकले हुए हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि ये हिंदू मज़हब में ज़ेबरा की इबादत करते हैं कि नहीं करते। तो वो उसने उसकी बांस पकड़े हुए हैं मोहनलाल ने, तो रश के अंदर सारों ने मुंह के ऊपर वो मास्क डाले हुए हैं, जैसे कि कोई इस किस्म के मास्क हैं जैसे कोई रावण के मास्क नहीं होते, तो इस किस्म के मास्क सारों ने मुंह पे डाले हुए हैं। तो वो एक बंदा लड़की का कत्ल करके चला जाता है, तो लेकिन वो जैसे ही मोहनलाल उसके पीछे जाता है तो वो ऊपर से चाकू से उसके ऊपर वार करता है और गलती से मोहनलाल से वो बंदा मर जाता है। और वो कौन होता है, वो उसी का ये उसी का भाई उसी का यार सज्जन होता है। तो लेकिन वो जैसे ही वो उनकी दोनों की चिता जलाते हैं तो ये जो जिसका सिर मुंडा था उसके सामने उसका ये गुरु बैठ के वो कहता है कि मैंने इसको को बहुत गुर सिखाए और इसको मैंने एक हथियार के तौर पे मैंने बनाया, लेकिन अब ये मेरे दुश्मन बन गया। लेकिन मैंने इसको हथियार के तौर पे क्यों बनाया, क्योंकि मेरे गांव में एक योद्धा आया था, उसने मुझे हराया और मेरा घर मेरी बीवी उसने ले ली और उसके साथ चीकी पाका किया, और उसके साथ चीकी पाका जो किया था तो उसमें से ये वाला निकला है जो मोहनलाल है, तो और मैं बेटे को बाप से लड़ाऊंगा और अपना बदला लूंगा। तो ऐसे ही करके वो मूवी का क्लाइमैक्स हो जाता है और टू बी कंटिन्यूड आ जाता है कि ये इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। बहरहाल ठीक है, आएगा तो वो भी देख लेंगे। तो ये था इस मूवी का रिव्यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत। तो मूवी वैसे ये बी ग्रेड लगती है लेकिन देखने में मज़ा आता है। आप मूवी को देखें, इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।